क्योंकि मैया अब तो पढ़ाई ऐसी होती होती है स्कूल में कि मास्टर जाते हैं, सुबह पहुंच जाएंगे और बच्चों से कहेंगे ऐसा करो, थोड़ा बहुत याद कर लो। अब देखो हमें आ रही है नींद, तो हमारे लिए कर दो बिस्तर। अब तो यही होता है सरकारी स्कूल में। तब तक ऐसा हुआ कि अधिकारी की गाड़ी आ गई, अब मास्टर जी तो सो रहे, बच्चों ने देखा कि अधिकारी लोग आ गए हैं, तो बच्चों ने क्या किया, जब गुरुदेव लेटे हुए थे, गुरुदेव के पैर में धीरे से उंगली कर दी। मास्टर साहब जागे, देखा कि तो अधिकारी लोग आ गए हैं, क्या करना चाहिए। जैसे ही वो स्कूल में घुसे, अब मास्टर बच्चों से क्या कहने लगे, अरे हमारे प्यारे बच्चों देखो, रामायण में कुंभकर्ण ऐसे ही लेटता था। कैसे? क्योंकि वो तो सो रहे थे, जैसे ही अधिकारी लोग आए तो कहा कि ऐसे ही कुंभकर्ण सोता था। अब भाई अधिकारी लोगों ने देखा, अच्छा मास्टर तो बहुत अच्छे हैं, इस स्कूल में तो भाई बच्चों को रामायण का भी पाठ सिखाया जाता है, रामायण सिखाई जाती है। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, मास्टर से कहा कि रामायण भी सिखाते हो? बोले हाँ सिखाता हूं। तो बच्चे तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत जानते होंगे? बोले हाँ। अब अधिकारी ने कहा बच्चों से, एक बच्चे को खड़ा कर, अरे ये बताओ रामायण में जो सीता जी का जब स्वयंवर होने जा रहा था तो धनुष किसने तोड़ा था? अब बच्चे खड़े हो गए, बोले गुरुजी हमने ना तोड़ो। अरे किसी ने तोड़ दिया होगा, हमें का परी, हम क्यों तोड़ेंगे? अब भैया अधिकारी लोग तो खड़े हैं, तो मास्टर साहब कहने लगे, अरे भाई किसी ने तोड़ दिया होगा, बच्चों का नाम रख रहे हो, चलो कोई बात नहीं। दूसरे को खड़ा किया, अच्छा तुम ये बताओ कि सिवरी के बेर किसने खाए थे? अब दूसरा खड़ा है, बोले गुरुजी हमने ना तोरे बेर ना हमने खाए हैं। अरे हमें का परी, हमारी तो बहुत बेरी खड़ी है, हम काय तोरे, काय उनके बेर खाएं। तब तक मास्टर साहब ने क्या किया, 500 रुपए निकाले और अधिकारी लोगों को धीरे से हाथ में पकड़ा दिए। बोले भैया का कसूर है उसको, बेर रखे होंगे तो खा लिए होंगे, काहे झूठ नाम रख रहे हो। अब वहीं से अधिकारी लोगों ने पैसे डाले जेब में और वहां से निकल दिए। तो ऐसी पढ़ाई होती है।